9 अगस्त 2022 में तोपचांची प्रखंड के अंतर्गत ग्राम कोठाल अड्डा में एक सामूहिक बैठक सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें मृत्यु भोज पूर्ण रूप से बंद होने का निर्णय लिया गया। उपस्थित सभी सदस्यों ने एक आवाज में कहा कि मृत्यु भोज एक अभिशाप है, जिससे सिर्फ और सिर्फ मृतक के परिवार पर दबाव बनता है। लोग मजबूरन मृत्यु भोज करने के लिए सामाजिक रूप से बाध्य है। इस कुरीति का जल्द से जल्द समाज से पतन होना चाहिए, जिसकी शुरुआत कई जगहों में हो चुकी है और इन्हीं उदाहरणों का हिस्सा आज इस गांव के लोग बनने जा रहे हैं, जो वर्षों से चली आ रही सामाजिक कुरीति को समाज से उठाने में अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। मृतक मुसरी देवी के बेटे सुशील दास, महेश चंद्र दास, सपरिवार एवं गांव के बुद्धिजीवी लोगों ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया और मृतक मुसरी देवी का मृत्यु भोज न करने के फैसले का समर्थन किया। इस बैठक में मूल निवासी संघ से प्रकाश दास, रविदास, संघर्ष समिति के संस्थापक दिलीप राम, सामाजिक चिंतक सुबल दास, महेश चंद्र दास, ग्राम वासियों ने अमित दास, रूपलाल दास, दिलीप दास, मणिक चंद्र दास, टिंकू दास समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज महेश प्रसाद के द्वारा एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और ये वर्षों से चली आ रही सामाजिक कुरीति है जो उठाने का ये पहला कदम है तोपचांची प्रखंड से, तो इसका सभी गांव वालों ने समर्थन किया है, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। इससे आने वाली पीढ़ी सुधरेगी और जो सामाजिक कुरीतियाँ को जो हटाने की एक परंपरा हमारे मूल निवासी महापुरुष ने जो चलाई थी, उसका एक ये हिस्सा बनने वाला है। क्या ये बंद होना चाहिए? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे किसी का लाभ नहीं है, अर्थात इससे सबका हानि ही है, चाहे वो गांव वाला हो, चाहे वो किसी मृतक का परिवार हो, और इससे बच्चों की पढ़ाई से लेकर सब चीज़ का नुकसान होता है, क्योंकि एक दबाव है। कोई खुलकर करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी समाज का दबाव रहता है, गांव वालों का दबाव रहता है कि एक परंपरा चलती आया है, जैसे पाखंडवाद, अंधविश्वास, जो छुआछूत हो गया, भूत प्रेत हो गया, इस कुरीतियों की वजह से लोग मजबूरन ये सब करना पड़ता है, चाहे वो कर्ज लेके करना पड़े, चाहे उसका रखा हुआ पैसा बैंक से निकाल के करे। अगर कोई अपने बेटी के शादी के लिए बैंक में पैसा रखा है या फिर अपना बच्चा का उच्च शिक्षा के लिए अगर वो पैसा रखा है, तो मजबूरन उसको वो पैसा निकाल के उसको उसमें खर्चा करना पड़ता है। अगर पैसा ना भी हो तो खेत खलिहान जो भी हो बेच के उसको करना पड़ता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। अब उसको चुकाने में कितना वर्ष लगे, उसको चुकाने में क्या क्या झेलना पड़े, तो वो एक अलग बात है। अगर किसी मृतक का एक बेटा ही है तो उसको आप समझ सकते हैं कि उसको लाख रुपया खर्चा होता है भोज वगैरह वे सब पार करने में, तो वो एक लाख अकेला कमाने वाला कैसे पार करे। तो एक बहुत बड़ा जो है कुरीति है, अभिशाप एक आप बोल सकते हैं, जो समाज पर थोपा गया है, तो सब उठना ही चाहिए। मैं मृतक का मेरी दादी थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। सबसे पहले तो स्टार सिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बड़ा आप मुद्दा लेके चले हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम देश के बहुजन मूल निवासी साथियों को विश्व मूल निवासी दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और ये कदम उठाने का मकसद ये है कि मूल निवासी बहुजन समाज में जितने आते हैं लोग, वो लोग क्या है कि ये सब व्यवस्था जो है मृत्यु भोज जैसे व्यवस्था, इस व्यवस्था में लोग कहीं से कर्ज लेके खर्च करते हैं और वो बाध्य हो के करना पड़ता है उनको, लेकिन बच्चों के पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से कर्ज लेके पढ़ाई लिखाई में खर्च नहीं करके ये सब कुरीतियाँ में खर्च करते हैं। तो हम ये सोच के ये सब फैसला ले रहे हैं ताकि ये कुरीति को बंद करके इसमें जो व्यर्थ के खर्च होता है, इस खर्च से अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छी मतलब भविष्य दे सके। मैं ये सोच के ही ये सब कदम उठाया। आपका परिचय? मेरा नाम महेश चंद्र दास और मृतक क्या कौन है? बेटा है, मृतक मेरी माँ है। चलिए ठीक, एक आप दे दीजिएगा।
किसको दे दें? हैं दिलीप से? रुपलाल इसी गांव के वो हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर। अरे दोनों में से एक दीजिए, गांव का एक आलना चाहिए। गांव का नाम आप कर लेते हैं, कर लो। आप एक ग्रामीण हैं और महेश जी अपने माता जी का बोझ ना करके, क्या इसमें आप लोग सहमति हैं? देखिए, हम ब्राह्मण देहा दास टोला से हूँ, इस गांव का मैं मूल निवासी हूँ। मैं इसमें जो है सहमति करता हूँ, और समाज से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन आए हुए हैं, इन लोग का सहमति से जो है ये जो क्रियाक्रम और जो खोज का बात चल रहा है, ये बंद हो जाने से गरीबों का उत्थान होगा। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं एस सी सर्स का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, तो चाची और कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। चलिए ठीक। आज विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस है, क्या कहेंगे आज? आज विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस की आप सबों को हार्दिक बधाई। और इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर तोपचांची प्रखंड के ब्राह्मणडीहा रविदास टोला में आज मृतक मुसरी देवी के तीसरे दिन में इनके गांव में सामूहिक बैठक करके मृत्यु भोज का बहिष्कार किया गया। आज जैसा कि आप लोग को पता है, इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर हम लोगों को विशेष रूप से और सोचना चाहिए कि हम कैसे बहुजन समाज के जो बहुसंख्यक लोग हैं, इसका विकास कैसे हो। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत तरह के कुरीति, अंधविश्वास, आडंबर के मकड़जाल में ये तबका फंसा हुआ रहने के चलते इसका समग्र विकास नहीं हो पा रहा है। और इसी सामाजिक कुरीति, आडंबर, अभिशाप के रूप में एक प्रमुख मृत्यु भोज, उसका आज यहाँ इनके परिवार के लोगों के द्वारा, इस गांव के लोगों के द्वारा जो बहिष्कार किया गया, इसका तहे दिल से हम लोग समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। और हम लोगों का यह मुहिम दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, हम लोग को समर्थन मिल रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि हम लोग पूर्ण रूप से इस तरह का जो समाज के लिए कोढ़ बना हुआ मृत्यु भोज है, इसको हम लोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? सुबल दास, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। चलिए ठीक। सर, ऐसा क्यों लगा कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए? देखिए, मृत्यु भोज के साथ साथ में जितने भी कुरीति है, ठीक है ना, जिससे समाज का लाभ नहीं नुकसान होता है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें बंद होना चाहिए। और ये अभियान आज नहीं, हम लोग बहुत पहले से चलाए हुए हैं, लेकिन महेश दास जैसा हिम्मत के साथ आगे आना बहुत कम आदमी है। और इसने जब इस बात को रखा, हम लोग ने स्वागत किया, जो बहुत अच्छी बात है, फैसला लिया जा रहा है, ये तो होना ही चाहिए। और आके सामूहिक रूप से पूरे गांव के लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद में ये बात निर्णय लिए कि यहाँ मृत्यु भोज नहीं होगा, बंद होगा और आगे भी नहीं किया जाएगा। और इसी के लेके 15 तारीख को भी एक जिला स्तरीय बैठक है, ठीक है, ये अभियान चल रहा है और इसको हम लोग एक दिन सफल होंगे। आपका परिचय सर? दिलीप राम, रविदास समाज संघर्ष समिति के संस्थापक। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।